मध्य प्रदेश के रीवा जिले की ओर ले चलते हैं, जहां जान जोखिम में डालकर 15 पेटी कोरेक्स कफ सिरप सुहागी पुलिस ने पकड़ी। बता दें कि मौके पर कोरेक्स तस्कर कार छोड़कर हुए फरार। बताते चले कि जान जोखिम में डालकर 15 किलोमीटर पीछा कर सुहागी पुलिस ने एक बार फिर पकड़ी नशीली कफ सिरप की खेप। वाहन छोड़कर तस्कर फरार। आर्टिका कार सहित 15 पेटी कफ सिरप जब्त। बताते चले कि यूपी से बैकुंठपुर ले जाई जा रही थी खेप। वाहन छोड़कर तस्कर फरार। एसपी राकेश कुमार सिंह को मिली मुखबिर की सूचना के बाद थाना प्रभारी पवन शुक्ला, उप निरीक्षक अभिषेक पटेल, एएसआई शेष मणि वर्मा, आरक्षक विजेंद्र जायसवाल, राहुल कुमार ने मिलकर की कार्यवाही। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ये थाना सुहागी में पदस्थ स्टाफ को मुखबिर सूचना मिली थी कि यूपी तरफ से एक सफेद रंग की आर्टिका कार में कोरेक्स नशीली कफ सिरप, जिसका रीवा में लोग नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो आ रही है, जिस पर स्टाफ सहित उसकी घेराबंदी की गई। तो गाड़ी पुलिस स्टाफ को देखकर भागी, जिसका काफ़ी लंबा लगभग 10-15 किलोमीटर तक पीछा किया गया और गाड़ी में पकड़ लिया गया। लेकिन उसमें जो सवार लोग थे वो मौके का फ़ायदा, अंधेरा भी हो गया था तो अंधेरे का लाभ लेके भाग गए हैं। जिनकी तलाश चल रही है, जो गाड़ी पकड़ी गई है उसमें 15 पेटी नशीली कफ सिरप, जिसमें टोटल 1800 सीसियां हैं, बरामद की गई हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है, विवेचना जारी है और जो लोग उसमें भागे हैं, शामिल हैं, या कि जिन लोगों ने कोरेक्स मंगवाई थी उनकी सबकी तलाश विवेचना जारी है। कितनी कीमत होगी सर? ये जो कोरेक्स लगभग 2.5-3 लाख रुपए की कोरेक्स है और 10 लाख रुपए की गाड़ी है। टोटल 13 लाख रुपए की जब्ती की गई है इस मामले में अभी तक।